5 मिलियन नीरज चोपड़ा से, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया है। एक समय था जब उनका वजन बहुत हुआ करता था, तब उनके पिता ने बढ़ते वजन को कम करवाने के लिए जिम ज्वाइन करवाया था। तभी वो समय था जब नीरज ने दोस्तों के साथ खेल खेल में भाला फेंकना शुरू किया था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बच्चा एक दिन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। साल 2014 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन की शुरुआत की थी, तब सिर्फ 60,000 रुपये के भाले से ही जैवलिन सीखते रहे। आज नीरज चोपड़ा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका यह सफ़र आसान भी नहीं है। जानिए कैसे उन्होंने फैट टू फिट का सफ़र तय किया और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ हरियाणा के पानीपत में। पिता सतीश चोपड़ा और माता सरोज देवी। नीरज एक 19 सदस्य संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें उनके पिता माता के अलावा उनके 3 चाचा और उनके बच्चे रहते थे। नीरज की स्कूली शिक्षा पानीपत में ही हुई, इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। नीरज बचपन से ही खाने के शौकीन थे, जिसके कारण उनका वजन बहुत बढ़ रहा था और उनके पिता इस बात से चिंतित थे। तब उन्होंने नीरज को एक जिम में भर्ती करवाया। नीरज शुरू में पिता का मान रखने के लिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसका चस्का लग गया, जिससे उनका वजन बहुत कम हो गया। आज दुनिया भर में मशहूर जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कभी नहीं सोचा था कि वे जैवलिन में ही अपना कैरियर बनाएंगे। दरअसल नीरज कई बार अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में भाला फेंका करते थे। उस समय नीरज ने देखा था कि वो अपने दोस्तों के मुकाबले ज़्यादा दूर तक भाला फेंकते हैं। उसी समय जैवलिन के कुछ ट्रेनर भी नीरज को कुछ दूरी से देख रहे थे और उनके भाला फेंकने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हीं में से 2 ट्रेनर अक्षय चौधरी और नसीम अहमद ने नीरज को जैवलिन की डिटेल में ट्रेनिंग दी। इन दोनों ने ही नीरज को जैवलिन की टेक्निक्स और जैवलिन फेंकने में एरोडायनेमिक्स के बारे में बताया था, जिससे नीरज के गेम में और ज़्यादा निखार आया। शुरुआत में नीरज को जैवलिन की ज़रूरत थी, लेकिन उनका परिवार 1,00,000 का जैवलिन खरीदने में सक्षम नहीं था। फिर भी नीरज के पिता ने 60,000 रुपये जमा कर एक जैवलिन खरीद कर दिया, जिससे नीरज ने शुरुआती दौर में प्रैक्टिस की। नीरज लगातार प्रैक्टिस करते रहे और 2012 में लखनऊ में आयोजित नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। इसके बाद क्या था, वो कहाँ रुकने वाले थे। 2014 में यूथ ओलंपिक आयोजित हुआ और तब नीरज ने पहली बार विश्व स्तर पर सिल्वर मेडल जीता। नीरज में अब जीत का जुन सवार हो चुका था, अब वो रुकने वाले नहीं थे। फिर 2016 में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वर्ल्ड लेवल पर नीरज ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद नीरज ने ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी कई प्रतियोगिता में ना सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि कई सारे मेडल भी जीतकर अपनी जीत हासिल की। विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद अब नीरज चोपड़ा ने दूसरे भारतीय के रूप में अपनी जगह बना ली है। फिर 2017 में नीरज को स्पोर्ट्स कोटे के भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। उस समय उन्हें राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार का पद दिया गया। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें सूबेदार पद पर प्रमोट किया गया। इसके अलावा नीरज को 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा की इस सक्सेस स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसा होगा जिसमें आप सबके बाप हो। नीरज चोपड़ा ने यह साबित कर दिखाया। ऐसी सक्सेसफुल व्यक्तियों की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही सक्सेस स्टोरी लाते रहेंगे और आप अपनी ट्रू पहचान करते रहें। नमस्कार दोस्तों।